Hi, Dr. Javed Akhtar Khan. Welcome to you all in this video tutorial. आज का यह video lecture left factoring of grammar पर है. जैसा कि हमने अपने पिछले video lecture में देखा कि left factoring of grammar, left recursion of grammar, ये जो दो topics हैं, ये transformation of grammar के अंतर्गत आते हैं. तो लेफ्ट रिकर्शन ऑफ ग्रामर का हमने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया. सो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेफ्ट फैक्टरिंग ऑफ ग्रामर के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और चेक करेंगे कि इसको सबसे पहले कि ग्रामर अगर कोई है तो उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, यानी लेफ्ट फैक्टर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है और इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है. Guys, one more important things, left factoring of grammar is also comes under the reduction of grammar, simplification of grammar or optimization of grammar. और हम पहले ही देख चुके हैं कि reduction of grammar, simplification of grammar और optimization of grammar की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. इसका main और main objective जो है वो ये है कि हमारा compiler जो है वो smoothly work करे, यानी कम से कम कोड पर बहुत अच्छे से efficient work करे, जिसमें एफिशिएंट वर्क करे उसकी एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी जो है वो विदाउट एरर परफेक्ट हो. जैसा कि हम अपने यूनिट नंबर वन में ऑलरेडी एक टॉपिक हमने देखा था, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज फर्दर ऑप्टिमाइजेशन. जो भी कोड आपका है आप उसको अगर फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लेफ्ट फैक्टरिंग का एक कॉन्सेप्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि लेफ्ट फैक्टरिंग एक्चुअली क्या है. तो स्टार्ट करते हैं और इसका फॉर्मुलेशन क्या है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. तो देखते हैं कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेफ्ट फैक्टरिंग ऑफ ग्रामर इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, अल्फा देन बीटा देन अल्फा एंड हियर कामा इज देयर. क्लियर? सो ये जो है ये लेफ्ट फैक्टरिंग ऑफ ग्रामर का रिप्रेजेंटेशन है. तो लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग द कॉमन प्रीफिक्स, यानी इसमें हमें जो है कॉमन प्रीफिक्स पता लगाना है. अब प्रीफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीफिक्स यानी किसी भी ग्रामर के प्रोडक्शन के जो पहले के प्रोडक्शन होंगे जो कॉमन होंगे हमें उनकी बात करना. एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल हम अभी इसको समझ लें पहले कि लेफ्ट फैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग द कॉमन प्रीफिक्स. तो कॉमन प्रीफिक्स यहाँ मैं इस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ. जैसे कि हमें अगर ए बी और यहाँ एम दिया है और फिर से यहाँ पर ए बी और यहाँ टी दिया है तो ये कॉमन प्रीफिक्स हैं. ये जो है ये कॉमन प्रीफिक्स हैं, ये इस प्रोडक्शन में भी कॉमन है और ये इस प्रोडक्शन में भी कॉमन है इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के लिए. क्लियर? तो ये कॉमन प्रीफिक्स का मीनिंग है और इसी को हमको ऑप्टिमाइज करना है, यानी ये दो दो बार ना लिखकर या तीन तीन बार ना लिखकर इसको हम एक बार लिखें. तो ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को लेफ्ट फैक्टरिंग ऑफ प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ जो दो ए बी मैंने लिखे हैं तो यहाँ पर ये टर्मिनल्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टर्मिनल एस्ट्रिक हो. यहाँ पर ये टर्मिनल एस्ट्रिक मीन्स दैट द सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल इट इज़ नॉट मैंडेटरी. यहाँ पर नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं, बट हमें जो मेन फोकस करना है वो मेन फोकस हमें करना है कि भाई इसमें जो कॉमन प्रीफिक्स हैं, जो कॉमन हमारे पास प्रीफिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एलिमिनेट करना. एलिमिनेट इन द सेंस उसका कुछ रिप्लेसमेंट लिखना है, ऐसा रिप्लेसमेंट लिखना है जो हमारी ग्रामर के स्ट्रिंग के प्रोडक्शन को इफेक्ट ना करे, यानी जो ग्रामर का आउटपुट हो वो चेंज ना हो. क्लियर? तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाइड तो कर लिया लेकिन एक एग्जांपल की मदद से और क्लियर होगा. तो एक एग्जांपल अपन लिखते हैं. हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो ये है कि एक एस है नॉन टर्मिनल, ये प्रोड्यूस करता है इस स्ट्रिंग को, इस प्रोडक्शन को, सेट ऑफ प्रोडक्शन को, और ये फिर से प्रोड्यूस करता है इस सेट ऑफ प्रोडक्शन को हियर एंड दिस एस इज आल्सो प्रोड्यूसेस द टर्मिनल सिंबल ए. क्लियर? अब हमने जो अभी तक देखा, डिस्कस किया कि लेफ्ट फैक्टरिंग जो है वो कॉमन प्रीफिक्स को
आइडेंटिफाई करके उसको ऑप्टिमल या ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, डिलीट और रिमूव नहीं करता। तो चेक करेंगे यहाँ पर आई सी टी है, यहाँ पर भी आई सी टी है, क्लियर। यानी हमारे पास यहाँ पर जो है वो आई टी सी एस कॉमन जा रहा है और यहाँ पर भी आई टी सी एस कॉमन जा रहा है, यहाँ से डिफरेंस है और यहाँ तो कुछ कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं हमारे पास, क्लियर। तो अब इसका हमें क्या करना है, ये तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग हमने कर लिया, क्लियर, कि कॉमन प्रीफिक्स जो है वो ये हैं। तो कॉमन प्रीफिक्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए क्या था, आई सी टी एस, ओके, दिस इज द कॉमन प्रीफिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए आप स्टार्टिंग सिंबल जो आपको दिया था वो लिखेंगे, इतना लिखने के बाद जो कॉमन प्रीफिक्स आपने आइडेंटिफाई किया था वो लिखेंगे और साथ ही साथ एक नया नॉन टर्मिनल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एस डैश लिया है, और जो रिमेनिंग है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्लियर। अब इस एस डैश की वैल्यू जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो एस डैश की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी, जो रह गया था इसको आप लिखिए यहाँ और इसके साथ एक नल प्रोडक्शन लिख दीजिए, क्लियर। और फिर जो ये हो गया इतना, और इसी को तो लेफ्ट फैक्टराइजेशन कहते हैं कि हमने लेफ्ट फैक्टर को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके जो भी था उसको हमने रिमूव किया। यहाँ वन मोर थिंग, हियर वन दिस कैपिटल सी इज प्रोड्यूसेस दिस बी, ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है, दिस वन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल, दिस वन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल, क्लियर। एंड हियर वी आर यूजिंग द वन न्यू नॉन टर्मिनल दैट इज कॉल्ड एस डैश, क्लियर गाइज। सो दिस इज द रेटिफिकेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रामर, और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया हमने और उसको कैसे रिमूव किया, क्लियर। अब इस ग्रामर का जो फाइनल आंसर है, वह कुछ हमें इस तरह से दिखेगा कि आई टी आई सी टी एस, और ये जो प्रोड्यूस किया है एस डैश, और यहाँ पर ए आ गया, एंड एस डैश जो है ये प्रोड्यूस करता है ई एस को, ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास नल है और जो सी था वो प्रोड्यूस करता है बी को, क्लियर। अगर अब हम इसका एक एग्जांपल देखें, क्या यह इसी को अगर हम ड्राइव करते हैं, क्या यह चीज जो है ये ओरिजिनल ग्रामर को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही, तो चेक करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल है हमारे पास, स्टार्टिंग सिंबल में हमारे पास जो है वो है आई सी टी एस, क्लियर, आई सी टी एस, और ये हमारे पास जो है वो एस डैश है, एस डैश को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं ई एस से, तो आई टी सी एस और ये ई एस आ गया। नाउ एस डैश दिस इज कंप्लीटेड, क्लियर गाइज। सो इन दिस वे वी विल आइडेंटिफाइंग द लेफ्ट फैक्टराइजेशन ऑफ द ग्रामर थ्रू दिस एग्जाम्पल। वी आर इवेल्युएट हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू ऑप्टिमाइज द लेफ्ट फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रामर। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन क्लैरिफाई किया होगा, द बेसिक इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट अबाउट लेफ्ट फैक्टरिंग ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।